अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। यू आर वॉचिंग डॉक्टर शफीक भट्टी वर्ल्ड वाइड वीज़ा कंसल्टेंट। माय नेम डॉक्टर शफीक भट्टी, आई एम बेसिकली ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान बट आई एम ब्रिटिश नेशनल। सम टाइम आई स्पेंड टाइम इन मैनचेस्टर ऑफिस एंड सम टाइम इन पाकिस्तान। सो इन पाकिस्तान माय ऑफिस इज़ इन सरगोधा सिटी, पंजाब प्रोविंस। और ये वीडियो आपके लिए मैं आज बना रहा हूँ उन दोस्तों के लिए कि एक वीडियो को पूरा देखा करें, पूरी बात सुन लिया करें, समझ लिया करें। और तमाम ऑल व्यूअर्स लिसनर, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे, और अगर कोई परेशानी मुसीबत है तो अल्लाह ताला वो आपकी दूर करे, आमीन। तो वीडियो में आज मैं बात करना चाहता हूँ यूके की स्टडी वीज़ा, यूके का विज़िट वीज़ा, यूरोप का विज़िट वीज़ा और यूरोप का वर्क परमिट। अब मेरी पिछली वीडियो में जो थी वो मैं चूँकि रोमानिया भी गया हुआ था, तो उस वक्त ये था कि रोमानिया से जो है वो वर्क परमिट्स लग रहे थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ रोमानिया ने जो है वो प्रोटेक्टर बंद कर दिए हैं। तो इसलिए मेरे तमाम दोस्त सुन लें कि रोमानिया का आप अभी वेट करें, प्रोटेक्टर अगर नहीं लगता है आपके पासपोर्ट पे तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, ठीक हो गया। दूसरी बात, जो मेरे दोस्त भाई व्यूवर्स लिसनर सारे मेरे से प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। काफ़ी व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आते हैं कि बांग्लादेश से, खासकर मेरे बांग्लादेश के भाई बहनों के लिए जो है वो रिक्वेस्ट ये है कि अभी बांग्लादेश में हमारा ऑफिस नहीं है, ठीक है, और बांग्लादेश को अभी हम अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं। फरवरी या मार्च में इंशाल्लाह अगर हमारा वहाँ सेटअप बना तो जितने भी वहाँ से यूरोप जाने वाले हैं, रोमानिया या शेंजन हंगरी या पुर्तगाल, तो उनके लिए अकोमोडेट करूँगा मैं, चूँकि फिर वो बार बार मैसेज करते हैं और पूछते हैं सारा कुछ, तो अभी वो थोड़ा वेट कर लें। बाकी जो लोग अभी पाकिस्तान में हैं या यूएई में है या अरब किंगडम में है, तो ये वीडियो उनके लिए है कि अरब कंट्रीज से जितने भी दोस्त हैं वो अगर जाना चाहते हैं शेंजन वर्क परमिट के लिए पुर्तगाल हंगरी, उनके पास 8 माह का रेजिडेंस कार्ड हो, चाहे उनकी नेशनलिटी कोई भी है लेकिन वो अभी अरब या यूएई में रह रहे हों, ठीक है, उनके लिए जॉब्स हैं, वो अपनी सीवी, पासपोर्ट और रेजिडेंस कार्ड सेंड कर दें। उसमें 6,500 यूरो पेमेंट है टोटल, 2,000 यूरो आपने एडवांस देना है, बाकी रिमेनिंग पेमेंट आपकी जब आपका वीज़ा लग जाएगा, इसमें टिकट शामिल नहीं है। दूसरी बात, जो पाकिस्तान में मेरे दोस्त भाई यहाँ भी मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट है और ऑफर है कि अगर वो स्पेन का 11 डेज़ का विज़िट वीज़ा लेना चाहते हैं तो वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। उसमें बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट, पिक्चर, आईडी कार्ड, पोलियो कार्ड और एफआरसी फॉर्म, 3 से 4 माह का टाइम है, प्रोसेस है, ठीक हो गया। और उसमें सिक्योरिटी आपकी 4 लाख एडवांस होती है, बाकी रिमेनिंग पेमेंट 10 लाख जो है वो आपका जब आप पहुँच जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो मैं दे रहा हूँ वो है यूके का। यूके के लिए 2 ऑप्शन है, एक तो है स्टडी का, जो लोग FABA या MA उनकी तालीम है और विदाउट आइल्स भी ऑप्शंस हैं, मैट्रिक अगर उन्होंने किया हुआ है उसके भी ऑप्शंस हैं, वो रब्ता कर सकते हैं। और जो लोग विज़िट पे जाना चाहते हैं तो मेरे पास अभी 6 माह का यूके का विज़िट का ऑप्शन है 100%। उसमें चाहे वो एक बंदा अप्लाई करना चाहता है, चाहे पूरी फैमिली अप्लाई करना चाहती है, ठीक है, तो उसके लिए आप जो पाकिस्तान के रहायशी हैं या आप अरब किंगडम्स या अरब यूएई के रहायशी हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, आपका FRC, आपकी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट जो मस्ट जो है जिसमें विज़िट के लिए है, ठीक है, जिनके पास 6 माह की बैंक स्टेटमेंट नहीं है उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है। तो मैं बड़ी वाजह बात कर रहा हूँ, लोग ये वीडियो बना के तो वो कहते हैं जी कि बस आप आएँ और आप हमसे वीज़ा ले लें और ये वो सारी, मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की है, मैं बिल्कुल आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर अल्लाह की रहम से आपको हम
अकोमोडेट कर सकते हैं, कंसल्टेंसी और लीगल प्रोवाइजेशन जो है वो आपको दे सकते हैं असिस्टेंस। और ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी थोड़ा सा डिले हो गया है। दूसरा आजकल एक और प्रॉब्लम बना हुआ है, ओमी जो है क्रोन वेरिएंट जो है, तो उसकी वजह से लोग परेशान हैं कि फ़्लाइट्स कैंसिल ना हो जाएं या बंद ना हो जाएं, डिले ना हो जाएं। तो उसका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है फ़िलहाल, तो ऐसी कोई बुरी खबर नहीं है, क्योंकि यूएसए ने और यूके ने और तमाम कंट्रीज़ ने साउथ अफ्रीका आने जाने वाली तमाम फ़्लाइट्स को टाइम पे बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उम्मीद है कि अभी कोई लॉकडाउन या फ़्लाइट्स का डिले या कैंसलेशन नहीं होगी। ठीक है, बाकी को लोगों को मेरा नंबर नहीं पता है, तो मैं ये जो उतने भी पाकिस्तान में हैं या आउट ऑफ पाकिस्तान है, नंबर नोट कर लें 0092301585659, 0092306185659। वो मुझे इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और आप जब भी मुझे व्हाट्सएप करें तो काइंडली अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा दिया करें। और आई एम सॉरी अगर मैं किसी को थोड़ा देर से रिप्लाई करता हूँ, तो उसके लिए तमाम दोस्तों से माजरत। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। और फेसबुक पे अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसमें है SHAFIQ SPACE BHAWTI शफीक स्पेस भट्टी, वहाँ मेरे पेज पे आप रिक्वेस्ट सेंड कर दें। इंस्टाग्राम पे है तो शफीक स्पेस भट्टी 751 है, तो ये मेरे लिंक्स हैं, आप इस पर रब्ता करके तो जो भी आपकी मैं मदद कर सकता हूँ मैं हाज़िर हूँ। हमारा लीगल फर्म का एक जो है सिस्टम वो है, कोई ट्रैवल एजेंसी है ये वो ऐसा कोई मैटर नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और आइकन जो है बेल का उसको क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो है मेरी कोई न्यूज़ वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको खैर वाफियत से रखे, और अगर कोई परेशानी मुसीबत है तो अल्लाह ताला आपको अच्छा रिजक दे और उस परेशानी मुसीबत से निजात दे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।